नमस्ते जी, कैसे हैं सारे? जरूर बताइएगा कैसे हैं। तो आज अभी दोपहर का समय हो रहा है, लगभग 1 बज रहे हैं और मौसम आप देख ही सकते हैं, बहुत ही तेज धूप है आज। ये देखिए मौसम वैसे तो साफ ही, लेकिन थोड़े थोड़े बादल भी हैं, तो बहुत ही अच्छी धूप है आज। और अभी हमने कपड़े रखे हैं, देखिए धो के सूख रहे हैं हमारे कपड़े। तो अभी दोपहर के लिए देखते हैं हम क्या बनाते हैं। वैसे कपड़े धो के हम सारा काम करके फ्री हो चुके हैं, तो चलिए अभी आपको ले चलती हूँ मैं आगे। यहाँ पे हमने अपना घास रखा है सूखने के लिए। आज कपड़े ही कपड़े रखे हैं धो के। ये बीज रखा है बैंगन का और ये घास रखा है पूरा सूखने के लिए, जो भी हमने लाया था। देखिए सूख ही गया मैक्सिमम। तो ये देखिए वो उधर भी पीछे भी घास ही रखा है पूरा। तो आज मैंने सोचा दोपहर के लिए कुछ बनाते हैं, तो चलिए उसके लिए हम निकालेंगे घिया। और ये वाली भी हमने बीज के लिए रखी है। ये देखिए खीरा, इसका बीज भी तैयार होने ही वाला है। और ये डानी भी हमने बीज के लिए रखी है और घिया भी। अभी तो बहुत सारे निकलेंगे बीज के लिए, तो अभी हम निकालेंगे घिया सब्जी के लिए। एक ये है, अभी ये देखिए एक दिन हमने खाली कर दिए थे और नए लग गए हैं यहाँ पे घिये दो, दूसरा यहाँ पे है तीसरा और चौथा ये वाला। एक ये हो गया, इसको निकालते हैं दूसरा। बाकी अब खत्म ही होने वाले हैं घिये, बस अब थोड़े ही बचे हैं, तो अब लास्ट टाइम है इनका भी। चार घी निकाल लेते हैं, काफी है। पीछे वाला बड़ा है, ये देखिए एक दो, बाकी कैसे पकड़ूं मैं। तो ये हमने देखिए चार घी निकाल लिए। तो अभी चलते हैं ऊपर। ऊपर हमने मिर्च भी रखी है सूखने के लिए। ओह एक गिर गया घिया, एक सेकंड। ऊपर हमने मिर्च भी रखी है सूखने के लिए। ये देखिए चार घी काफी है अभी के लिए। और बैंगन भी अब देखिए खत्म होने ही वाले हैं, वैसे तो जल्दी खत्म नहीं होते। ये देखिए अभी लग रहे हैं, नए भी लग रहे हैं बैंगन अभी, और फूल भी लग रहे हैं अभी। अभी खत्म नहीं होने वाली, पूरा खेत बैंगन का ही है हमने लगाया हुआ। और शिमला मिर्च भी है अभी, शिमला मिर्च तो हम खाते ही रहते हैं। ये पूरा खेत है शिमला मिर्च का, और साथ में फूल भी लगे हैं प्यारे प्यारे देखे पीछे। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर नजारा आता है, पीछे का जो पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, और उस तरफ जो बादल होते हैं ना, इसका बहुत ही सुंदर नजारा आता है। और धूप हो और थोड़ी थोड़ी ऐसी मतलब छाया हो, तो बहुत ही सुंदर नजारा आता है। और ये देखिए मक्की भी पूरी तरह से पक चुकी है, इस तरफ दिखाती हूँ। अभी घर में कोई भी नहीं है, मतलब घास भी अभी काटने को है, मक्की भी तैयार हो चुकी है। लेकिन ये देखिए पूरी तैयार ही हो चुकी है, ये देखिए पूरी मक्की हमारी तैयार हो चुकी है काटने को। देखते हैं पहले हम घास खत्म करेंगे, उसके बाद हम मक्की का काम करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और घिये बनाते हैं। घिये भी हम कौन से बनाएंगे आज? आज हम घिये बनाएंगे दही वाले, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मतलब घिये की बहुत सारी रेसिपीज है। वैसे तो एक घिये वाली कढ़ी भी बनती है, तो वो कद्दूकस बना करके बनाते हैं, जैसे मैंने गंडोली की रेसिपी बताई थी आपको। और दूसरी जो बनाते हैं वो बनती है सिंपल घिये को कद्दूकस करके तड़का लगाते हैं। और तीसरी जो बनती है वो बनती है एक दही वाली, वो हम आज बनाएंगे। और एक बनते हैं कोफ्ते, वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कोफ्तों की। तो अभी चलते हैं किचन में। चारों घिये मेरे हाथ में आने रही है, आगे चार घिये हैं, तो चलिए।
हम अलग रख देते हैं। चार घी लाए थे हमने और काफी अच्छे हैं ये, सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। अब छिलके निकालिए तो इनको थोड़ा सा धो लेते हैं अच्छी तरह से घीयों को। तो ये देखिए घी धो लिए और फटाफट से इनको अब काट लेते हैं। अगर इनके अंदर बीज हैं तो उनको निकाल देंगे, अगर बीज इतने इतने हैं तो कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही पका लेते हैं हम। इसमें हमने सीटी लगानी है इनको, तो थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटेंगे। और ये देखिए हमने अपने घीये पूरे काट लिए हैं, अभी इनको डालेंगे हम कुकर में। और इसमें हम दो से तीन सीटी लगाएंगे। इसमें हम लगभग इससे आधा गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि घी से भी पानी निकलेगा। ये देखिए आधा गिलास पानी। नमक, और फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। मैंने हल्दी ऐड कर दी इसमें। इसके बाद हम इसे गैस पे रख के दो से तीन सीटी लगाएंगे। ये मैंने कुकर को रख दिया है गैस पे, अब इसके पकने का वेट करते हैं। तो चलिए जब तक हमारे घी पकते हैं तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो कुकर मैंने उतार दिया गैस से नीचे और बड़े चूल्हे पे रखी है कड़ाही। दोपहर में हम ज्यादातर खाना गैस पे ही बनाते हैं, तो दोपहर की सब्जी हम सुबह ही बना के रखते हैं, लेकिन आज हमने सुबह सब्जी नहीं बनाई थी दोपहर के लिए। तो अभी तड़का लगा रहे हैं हम घी को और घी देखते हैं पके या नहीं। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, ये मैंने जो हमने मसाला रखा था वो डाल दिया। प्याज, मसाले में हमने डाला था धनिया, थोड़ा सा जीरा और मेथी। और साथ में हम डाल देंगे मिर्च और प्याज को ब्राउन होने देंगे। तड़का लग रहा है मेरे ऑल टाइम फेवरेट लोहे की कढ़ाई में। तो चलिए घी देखते हैं पके या नहीं। लगता है घी पक चुके हैं, कच्चे से देखते हैं। इसी से देख लेते हैं। गरम है काफी। ये देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं हमारे घी। और थोड़ा सा पानी भी है इसमें, पानी इससे भी निकला, हमने तो थोड़ा सा ही पानी डाला था। तो चलिए अब प्याज भी लगभग ब्राउन हो ही चुका है। देखिए आज थोड़ी धीमी कर देते हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और हल्दी। नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला है इसमें। हल्दी ऐड कर देंगे अभी। अब डाल देंगे हम अपने घी। और ये देखिए घी
तड़का लगा दिया हमने। अगर आप चाहें तो ऐसे भी घी खा सकते हैं, लेकिन हम अभी खाएंगे दही के साथ। दही के साथ बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर आप दही वाली गंडोली भी बनाना चाहें तो इसी तरीके से बन जाएगी दही वाली गंडोली भी। तो इसको थोड़ी देर अभी उबलने देते हैं, थोड़ी देर के बाद हम इसमें दही डालेंगे। तो लगभग 2 मिनट तक हमने इसको उबलने दिया था। तो देखते हैं अभी इसमें कितनी दही लगती है। और ये है हमारे घर का दही, फ्रेश फ्रेश। और मलाई भी इसमें बहुत सारी है। अभी एक कटोरी डाल के देखते हैं, फिर हम और डालेंगे इसमें थोड़ी सी। हो गया काफी इतने दही, जिसका कलर भी चेंज हो गया। बहुत ही टेस्टी लग रही है दही वाले घी। मैं बोलने वाली थी दही वाले आलू भी हमने खाए थे जब हम खाले को गए थे, तो बहुत ही टेस्टी बने थे। वो तो दीदी ने बनाए थे, बाकी हम सारे खाले में थे। तो इसको हम थोड़ी देर उबलने देंगे और देखते हैं फिर कैसे बनती है हमारे घी। और ये देखिए लगभग 5 मिनट बाद हमारी दही वाले जो घी हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही मजा आने वाला है इनको खाने में। तो इन्हें आप चपाती और चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। हमने चपाती भी बनाई और चावल भी बनाए हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल यमी। तो अभी मैं इनको कटोरी में निकालती हूँ और नमक चखती हूँ, नमक ठीक है या नहीं। तो मैंने अभी गैस कर दिया बंद और इसको लगाते हैं ढक्कन। ये लीजिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है और ये मैंने अभी निकाली है चखने के लिए, देखते हैं कैसी बनी है। हाँ जी, तो हमारे दही वाले घी बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही यमी लग रहे हैं और चख के देखते हैं कैसे बने। बहुत ही टेस्टी बने हैं हमारे दही वाले घी। तो अगर इनमें हम चुक ऐड करके खाते तो बहुत ही मजा आने वाला है और सच मानिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आप दही वाली गंडोली भी खाना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस है। आप ये प्रोसेस देख के दही वाली गंडोली या जिसे हम शंजाकर बोलते हैं, स्क्वैश बोलते हैं, उन्हें आप इस तरीके से बना सकते हैं दही वाले। तो अभी क्या करें, चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।